दोस्तों, कुछ समय पहले किसी ने अपना अनुभव बताते हुए कहा, 2020 में मैं एक लड़के के साथ रिलेशन में थी। कुछ साल साथ रहने के बाद 2023 में हम दोनों ने लव मैरिज कर ली। तब से मेरी जिंदगी नरक बन चुकी है। वो बहुत घिनौना इंसान है। शादी से पहले सब धुंध था। उसका प्यार, अच्छाई, लगाव सब कुछ फर्जी था। अब वो मुझे मारता भी है और जानवरों की तरह व्यवहार करता है। इसलिए मैं कहती हूँ, पसंदीदा इंसान बहुत घिनौना होता है। दोस्तों, शादी से पहले कुछ तथाकथित झूठे प्रेमी बहुत ही ख्याली दुनिया में जीते हैं कि शादी के बाद ऐसा होगा वैसा होगा। वो हवा हवाई सपने बुनते रहते हैं। वो अपनी हवस पूरी करते जाते हैं और उसे प्यार का नाम देते हैं और सबके खिलाफ जाकर शादी कर लेते हैं। और शादी करके जब कुछ महीने साथ रह लेते हैं तो वो पाते हैं कि उनके झूठे सपने अब टूट रहे हैं। वैसा कुछ महसूस ही नहीं हो रहा जैसा उन्होंने सपनों की दुनिया में सोचा था। और फिर उनके अंदर का असली चरित्र बाहर आने लगता है। शादी से पहले एक दूसरे का शोषण और संभोग के लिए आपस में बड़े बड़े झूठे वादे किए जाते हैं। ये तथाकथित प्रेमी शादी से पहले एक दूसरे का जमकर शोषण करते हैं और हवस में ही शादी कर लेते हैं। फिर उनका मन बहुत जल्दी शरीरों से भर जाता है और ऐसे लोगों के बहुत जल्दी तलाक हो जाते हैं, क्योंकि सच्चा प्यार तो इनमें पहले ही नहीं था। ये तो सिर्फ हवस पूरी करते थे। तो ऐसे लोगों का आज नहीं कल अलग होना निश्चित है, और अलग नहीं हुए तो ये एक दूसरे के जीवन को नरक बना कर रखेंगे। एक और किस्सा सुनिए। एक लड़की ने मुझे मैसेज में कहा, मेरी उम्र 18 साल है और मैं जिनके साथ रिलेशन में हूँ उसकी उम्र 32 साल है। 3 साल हमारे रिलेशन को हो गया। मैं उनसे शादी करना चाहती हूँ लेकिन मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता, मेरे प्यार को कोई नहीं समझता। दोस्तों, मुझे उस लड़की के लिए बुरा लगा, क्योंकि एक 32 साल के लड़के को पता होता कि उतनी छोटी लड़की के साथ रिलेशन में रहना ठीक नहीं, लेकिन हवस को प्रेम का नाम दे दिया गया। अब मजे से शोषण करते रहो। जब मैंने उसे समझाने की कोशिश की कि ये सब तुम्हारी खुद की बनाई ख्याली दुनिया है, अगर तुम्हारी उससे शादी हो भी गई तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला जैसा तुम सोचती हो, तो गुस्से में वो मुझसे बोली, आप भी मुझे सपोर्ट मत करो, मुझे कोई नहीं समझ सकता। दोस्तों, आप खुद सोचिए, ऐसे बच्चे अगर प्यार की दुहाई देकर विवाह करते हैं तो इनका रिश्ता कैसा होगा। अब उस 32 साल के लड़के को अच्छी तरह पता है कि वो क्या कर रहा है और क्यों कर रहे हैं, आप भी समझ गए होंगे। लेकिन वो लड़की प्यार के नाम पर अपना शोषण करवा रही है। जैसा कि आदि शंकराचार्य जी ने कहा था, दुनिया माया है, जैसा हम सोचते हैं वो हमारा भ्रम है। तो इन सब भ्रमों के चक्कर में बर्बाद हो जाना ठीक नहीं। अब सवाल आता है, तो क्या प्रेम विवाह करना ठीक नहीं है? ये ठीक तो है, लेकिन जिसे तुम प्रेम विवाह कहते हो उसे आज के समय में हवस विवाह कहना चाहिए। प्रेम विवाह का हक सिर्फ इन लोगों को है। एक, जो शरीरों से ज्यादा तुम्हारी भावनाओं की कद्र करते हैं, जिन्हें शरीरों का लालच नहीं है। पोशो ने एक कमाल की बात कही थी, जहां प्रेम ज्यादा होता है वहां संभोग का मूल्य कम हो जाता है, जहां प्रेम कम होता है वहां संभोग का मूल्य बढ़ जाता है। दो, आपका या आपके पार्टनर का स्वभाव ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लगातार एक के बाद एक अलग अलग लोगों के साथ रिलेशनशिप में रहे हो। यदि आपने लंबे समय तक एक दूसरे को समझा, जाना और परखा है, तभी आपको प्रेम विवाह का हक है। तीन, आपको ये पता होना चाहिए कि शादी के बाद जरूरी नहीं है हमारी फीलिंग एक दूसरे के प्रति वैसी ही बनी रहेगी, लेकिन उसके बाद भी हम साथ खुश रह सकते हैं, तो आपको प्रेम विवाह का हक है। चार, दोनों के परिवारों को तकलीफ दिए बिना अगर आप अपनी पूरी जिंदगी खुशी से जी सकते हो तो आप प्रेम विवाह कर सकते हैं। पाँच, आपके माता पिता साक्षात भगवान स्वरूप है, उनसे बात करके उनका अनुभव जरूर लीजिए। वो आपको बेहद सटीक बातें बताएंगे, क्योंकि जैसे वो 18 साल वाली लड़की को नहीं पता वो क्या कर रही है, उसी तरह हमें भी नहीं पता कि हमारा निर्णय सही है या गलत। सही निर्णय लेने में माँ बाप आपकी मदद करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो अपने छोटे भाई बहनों बच्चों तक शेयर कर देना, ताकि वो भटकने से बच सके। इसे शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप इस वीडियो से सहमत हैं तो इसे लाइक करके कमेंट में यस लिखें। आपके लाइक कमेंट से ये वीडियो वायरल होगी और ना जाने कितने बच्चों की मदद होगी। आपका इस बारे में क्या कहना है वो भी बताएं। आपके कोई पर्सनल सवाल है तो मुझे मैसेज करें। ऐसी और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।